दुर्गा पूजा के दौरान जब आप पंडाल घूमने निकलते हैं तो आपको एक से बढ़कर एक माँ की मूर्तियाँ नजर आती हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि माँ की मूर्ति को बनाने में कितना टाइम लगता है? कौन है वो कारीगर जो माँ की मूर्ति बनाते हैं? आखिर कितनी मेहनत के बाद माँ की एक खूबसूरत मूर्ति तैयार होती है? अगर नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं। शहर में भव्य मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, कितनी लागत आती है, कितना समय लगता है और माँ की मूर्तियों को अंतिम रूप जो कारीगर देते हैं उनके हाथ में कौन से जादू होते हैं, चलिए दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं माँ की प्रतिमा को अंतिम रूप देने का कार्य जोर शोर से चल रहा है। कारीगर लगातार अपने कार्य को अंतिम रूप दे रहे हैं। आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं क्या कि एक माँ की मूर्ति को तैयार करने में कारीगरों को कितनी मेहनत लगती है। अभी भी काम चल रहा है क्योंकि माँ की मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। चलिए इनसे जानते हैं क्या कि एक मूर्ति को तैयार करने में कितना वक्त लगता है, कितना समय लगता है और कितनी लागत आती है। एक मूर्ति को बनाने में कितना समय लग जाता है? करीब करीब वही रखे 10-15 दिन लग जाता है। अगर लागत की बात करें तो लागत कितनी है? लागत देखिए जिससे डिमांड होता है उस तरह का लागत होता है। नहीं, पहले आप लोग ऑर्डर लेते हैं फिर हम लोग जनरल जो लागत की बात कर दिएगा तो एक मूर्ति बनाने में करीब 15,000 हम लोग को लागत लगता है। आखिर मिट्टी आप कहीं बाहर से लाते हैं या फिर यही आसपास के जगहों से आए? नहीं, बगल से ही आ जाता है, अगल बगल से ही आ जाता है, बाहर से नहीं लाना पड़ता है। और आपके पास जो सभी कारीगर है जो सब लोकल ही है या फिर कोई बाहर से भी? सब बाहर का नहीं है, एक भी सब लोकल का कारीगर है। और ये सारी मूर्ति ऑर्डर पर बने कब तक निकल जाएंगी? सारी मूर्तियां कल तक में निकल जाएंगे। तो देखा आपने एक मूर्ति को बनाने में कम से कम 10-15 दिन का वक्त लगता है और खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियां हैं। माँ दुर्गा के साथ जो विराजमान होती हैं वो सारी मूर्तियां हैं, देवी के सारे स्वरूप आपको दिख जाएंगे और लगातार जो कारीगर है वो अंतिम रूप दे रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब आप पंडाल भ्रमण के लिए निकलते हैं तो आपको दुर्गा माँ की भव्य मूर्तियां दिखती है और जिसे देखकर आप काफी प्रशंसा करते हैं, लेकिन इस मूर्ति के पीछे जो मेहनत होती है वो कारीगर करते हैं। अपनी पूरी मेहनत के साथ, श्रद्धा के साथ मूर्तियों का निर्माण करते हैं और एक लंबा वक्त लगता है। जिस तरीके से डिमांड आती है उसी हिसाब से बनाया जाता है। कारीगर भी कटिहार जिले के ही हैं। तो केबीसी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।